जिंदगी से ज्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था, मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। आत्माओं से बात करना उसका शौक था और अदृश्य शक्तियों की पहेली सुलझाना उसका पेशा। लेकिन आज उस इंसान की खुद की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। तो समझ ही गए होगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के मोस्ट फियरलेस पर्सन गौरव तिवारी के बारे में। वैसे तो आप इन्हें जानते ही होगे, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार मुकेश मिल जैसी हॉन्टेड जगह का इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे गौरव जी न्यूज की टीम के साथ। और जो जी न्यूज के प्रेस रिपोर्टर थे वो लोग इन सारी बातों पर, पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास नहीं करते थे। करते भी होंगे तो टीवी पर ऐसा शो कर रहे थे जैसे कि वो इन सारी चीजों को नहीं मानते। लेकिन उसके बाद गौरव ने आत्माओं को बुलाया और वहां पर हुई कुछ ऐसी घटना जिसे देखने के बाद उन सारे प्रेस रिपोर्टर्स के साथ साथ जिन लोगों ने भी उस प्रोग्राम को टीवी पर देखा था सबकी हवा टाइट हो गई थी। अपने होने का एहसास दिलाइए हमें। हो सकता है मेरी साउंड वेव्स वहां तक जा रही हो इस वजह से। साउंड वेव्स की वजह से ये गुड़िया नहीं होती है, नहीं तो मैं आपके सामने कितनी देर से बात कर रहा हूँ, ये इसे कंटिन्यूसली ऑन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ। जी की कोशिश है लगातार कि जी की कोशिश हमारी लगातार रही है कि इट्स क्रेजी। मैं फिर बोलूंगा कि आपने पूछ के देखा उनसे और ये अब आप पर ये मेरी हो सकता है मेरी पिच इतनी हाई हो कि ये एक बार हाई पिच में बोल के देखिए फिर से। चलिए अब मैं कुछ और बात करता हूँ आपसे, मैं इस बारे में बात ही नहीं करता। पर ये तो और नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं इस बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन आपने उसे कमांड किया था, शायद आपने चैलेंज किया था मेरे बोलने पे, बोल के दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ नहीं ऑन हो रहा है, आप जैसे ही बोल रहे हैं। देखो गौरव तिवारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो अंधविश्वास को फैलाते थे। वो कभी भी लोगों को डराने वाली बातें नहीं करते थे, वो हर घटना के पीछे का सच जानना चाहते थे। अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो वो उस चीज को प्रूफ करते थे साइंटिफिक तरीके से। लेकिन अगर कोई जगह हॉन्टेड नहीं है, लोगों ने उसके बारे में नकली कहानियां फैला के रखी है, तो गौरव तिवारी इन बातों को भी एक्सपोज कर देते थे। तो आई थिंक मैं इंट्रो लगाना ही भूल गया वीडियो में, तो जल्दी से इंट्रो लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। भूत प्रेत पिशाच आत्मा और काली शक्तियां, इन सब की कहानियां हमने बचपन में खूब पढ़ी हैं। इनके बारे में बातें करने में और सुनने में आपको बहुत मजा भी आता है और डर भी लगता है। लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन सारी चीजों पर रिसर्च करने में लगा दी। ऐसे लोगों को कहा जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और गौरव तिवारी भी उनमें से एक ही थे। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को बनाया था। ये सोसाइटी 2009 में बनी थी और इस सोसाइटी में थे दुनिया के बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स, जो दुनिया भर की हॉन्टेड जगहों पर जाते थे और आत्माओं से बात करते थे, उनके एग्जिस्टेंस का पता लगाते थे। एक बार की बात है, गौरव अपनी सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ एक ऐसी जगह की इन्वेस्टिगेशन करने गए थे जहां पर डेड बॉडीज को दफनाने से पहले रखा जाता है। कहा जाता था कि ये जगह हॉन्टेड है, तो गौरव ने फैसला किया कि वो उस चेंबर के अंदर जाएंगे और आत्माओं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो कोल्ड चेंबर है जिसके अंदर बॉडी रखी रहती थी, और लिटरली ये काम करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छे इंसान की। जब यही काम जो गौरव तिवारी कर रहे थे वो उनके दोस्त ने करने की कोशिश की जो उन्हीं की टीम में था, तो वो डर गया। चेंबर में जाने से पहले ही उसने हार मान ली। लेकिन गौरव तिवारी बिना डरे उस चेंबर में भी गए और उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी किया। उन्होंने वहां पर आत्माओं से बातें भी की और ये भी पता लगाकर बताया कि आखिर वो जगह हॉन्टेड क्यों है। Your elbow's in. Okay. Yep. Tell me when you're ready. All right, I'm ready. Good luck.
अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई यूट्यूबर भी बन जाता है, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कौन बनता है? आखिर किसको पढ़ी है कि जाकर भूतों से बात करे, उनकी दुनिया में जाकर उनसे उलझ जाए? तो गौरव तिवारी भी शुरुआत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते थे, वो एक पायलट थे। मैं उन पायलट्स की बात नहीं कर रहा जो सड़कों पर KTM उड़ाते हैं, वो एक सर्टिफाइड वेल ट्रेन्ड पायलट थे जो प्लेन उड़ाते थे। उन्होंने फ्लोरिडा USA में रहकर कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। I was training to become a commercial pilot in 2006 and I was given an apartment by my flight school. But something happened to me. We started witnessing things like poltergeist activity. We started hearing whispers and we could not find anyone there who was doing that. It really challenged my belief system. I started looking into paranormal research. And slowly, gradually, I came across so many things in life that could really made me understand about nature of spirits. लेकिन वही ट्रेनिंग के दौरान से हुई थी उनकी भूतों से मुलाकात वाली घटना की शुरुआत, क्योंकि वो जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ पर उनके साथ 5 दोस्त और भी रहते थे जो सेम ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके फ्लैट में शुरू हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, तरह तरह की आवाजें आना, चीजों का हिलना, अजीबोगरीब मूवमेंट्स होना, और गौरव इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जब घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं, वो सारे दोस्त मिलकर उनके फ्लैट में होने वाली भूतिया घटनाओं का रीजन पता नहीं लगा पाए, तब गौरव तिवारी को लगा कि शायद इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति मौजूद है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते हैं। और वहीं से शुरुआत हुई गौरव के इस फील्ड में इंटरेस्ट की। उन्होंने आखिर इन सारी चीजों के बारे में पता लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वो इन सब चीजों में इतना ज्यादा घुस गए कि वो पायलट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। और ऐसे वैसे नहीं, वो इंडिया के नंबर 1 सबसे बड़े और सबसे रेपुटेटेड सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनके पास इन सारे कामों को करने का एक लाइसेंस था। उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए, बहुत सारे सीरियल्स किए जहां पर उन्होंने लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताया। गौरव तिवारी ने अपने जीते जी अपने कैरियर में 6000 से ज्यादा भूतिया जगहों की जांच पड़ताल की थी। एक घोस्ट हंटर होने के बावजूद भी वो कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते थे, वो हमेशा हर चीज के बारे में केवल सच बताते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पैरानॉर्मल चीजों को लेकर बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिन्हें गलत साबित करना जरूरी है, और हमारे सामने जो 98% केसेस आते हैं वो सब फर्जी होते हैं, नकली होते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि बाकी बचे हुए 2% केस असली होते हैं और वो इतने डरावने होते हैं कि अगर ये घटना किसी के साथ घट जाए तो उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अराडेल असाइलम में फुल बॉडी अपेरेशन दिखा था, मतलब उस असाइलम में उनको एक आत्मा की, एक रूह की पूरी बॉडी दिखाई दी थी, जिसका उन्होंने थर्मल कैमरे से फोटो भी खींचा था। Sensing he may have caught something during his spirit photography session, Gaurav reviews the results at Surveillance Central. Sir, looks like a humanoid shape. Well, is there someone standing here? Zooming in, they discover someone or something is definitely lurking in the darkness. And I see a full body apparition. और ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग देयर बट देयर वाज नो ह्यूमन बीइंग एज सच। देखो ये तो केवल एक केस था, उन्होंने बहुत सारी जगह विजिट की थी। उन्होंने इंडिया के भानगढ़ के किले का रहस्य सुलझाया था, उन्होंने मुकेश मिल्स की मिस्ट्री भी सॉल्व की थी, पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीविजन पर उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए दिखाई थी। उनकी जो सोसाइटी है उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आप जाकर गौरव तिवारी द्वारा सॉल्व किए गए केसेस के वीडियोस देख सकते हो, एक्चुअल वीडियोस जहां पर वो आत्माओं से बातें कर रहे हैं, जहां पर उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस करनी पड़ रही है। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं गौरव तिवारी के केसेस को एक्सप्लेन कर सकूं, वो सारा कंटेंट यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। एक्चुअली बात यह है कि गौरव तिवारी की जिंदगी में उन्होंने जितने केस सुलझाए थे, उनकी खुद की जिंदगी का केस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उलझा हुआ बन गया। उनकी मौत की वजह आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। सब अलग अलग रीजंस बताते हैं। उनके घर वालों का कहना है कि किसी बुरी आत्मा ने उनको परेशान कर रखा था। कुछ लोग बताते हैं कि घर में उनके लड़ाइयां होती रहती थी जिस वजह से शायद वो थोड़ा सैड रहते थे, क्योंकि गौरव तिवारी की वाइफ को या उनके घर वालों को गौरव तिवारी का ये भूतों वाला काम पसंद नहीं था। हालांकि जिस इंसान ने दुनिया भर के केसेस सुलझाए, वो खुद अपने केस को सुलझाने का जिम्मा दिल्ली पुलिस के हाथों में छोड़कर गया है। देखो वैसे तो गौरव तिवारी काफी ज्यादा निडर थे, क्योंकि अगर वो डरपोक होते या इन सारी चीजों से डरते तो वो इस तरीके के काम को, इस तरीके के पैशन को फॉलो ही नहीं कर पाते। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं, तो वैसे तो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान शायद
शायद गौरव तिवारी से कोई ऐसी गलती हुई थी जिसकी वजह से कोई आत्मा उनके पीछे पड़ गई थी। हालांकि सच क्या है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या गौरव तिवारी के जाने के पीछे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या किसी पैरानॉर्मल शक्ति का हाथ है, या फिर असली वजह कुछ और ही है? इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, बहुत से लोग मुझे भी कमेंट करके बोलते हैं गौरव भाई किसी भूतिया जगह पर जाओ, वहां का डायरेक्ट वीडियो बनाकर लाओ। तो भैया गौरव तिवारी में और गौरव कटारे में बहुत अंतर है ना, मैं ऐसी जगह जाता ना किसी को जाने के लिए रिकमेंड करता। इसीलिए कहते हैं भैया घर में बैठो, हनुमान चालीसा पढ़ो और खुश रहो, क्योंकि क्या पता कब आपके पीछे कौन लग जाए। एनीवे मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हां ऐसे ही भूतिया वीडियोस अगर देखने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।